लबा तलबात असलकुम आज से हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तलबा वालबा के लिए प्रोग्रामों का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुख्तफ मौजूआत का अहाता करेगा और अगर आप अपने बी एस प्रोग्राम में कोई एडवांस आर्टिफल इंटेलिजेंस पर कोर्स ले रहे हों या आपने अपने मास्टर्स प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स रजिस्टर किया हुआ हो तो प्रोग्रामों का यह सिलसिला आपके लिए लिए मुआवन होगा आज के प्रोग्राम में हम कोर्स का तारुफ करवाएंगे और उसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुख्तसर तारुफ आपके सामने रखेंगे आइए हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम किन मौजूद पर बात करेंगे कोर्स में हम आपको इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टॉक अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट्स विल टॉक अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग इनफॉर्म्ड सर्च मेथड्स, एजेंट्स दैट रीजन लॉजिकली विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इंफ्रेंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक प्लानिंग Planning and acting, uncertainty, probabilistic reasoning system, learning from observations, learning in neural and belief networks, agents that communicate, perception, philosophical foundations of artificial intelligence, and artificial intelligence its present and future. This course तकरीबन पूरे एक सेमेस्टर का अहाता करेगा जो uh, 16 से 17 वीक का एक रेगुलर सेमेस्टर होता है तो ये कोर्स एक पूरे सेमेस्टर पर मोहित होगा और इस कोर्स से हम वुड लाइक टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स नंबर वन वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट वी मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एटलीस्ट गिव अस ए वर्किंग डेफिनेशन for this course then would like to write some artificial intelligence programs that explore search space using both blind heuristic meta heuristic and evolutionary search techniques implement neural networks consider what is meant by artificial life and write some artificial programs write some programs that can learn and consider ways of representing and using knowledge apart from that i would like to say this is very much a practical course we will also discuss some philosophical foundations but would like to develop some uh, intelligent programs using artificial intelligence techniques

हम रसल एंड नॉर्विज की किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए मॉडर्न अप्रोच जो है उसको एज़ ए टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे और ये किताब जो है ये लो प्राइस एडिशन जो है इस किताब का वो मार्केट में अवेलेबल है और आप अगर इस किताब को यूज़ कर रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक के तौर पे तो आपको बाज़ार से ये किताब जो है दस्तियाब है इसके अलावा अगर आप कुछ और किताबें जो कि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अवेलेबल हैं वो भी अगर आप टेक्स्ट बुक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स का ये सिलसिला आपके लिए सूदमंद होगा और दूसरी अहम टेक्स्ट बुक जो इस कोर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं वो ये वाली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाई रिच एंड नाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाई प्रोफेसर विंस्टन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटीज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बाई लूगर एंड स्टबल फील्ड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस बाई पोले मैकवर्थ एंड गोएबल द एसेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बाई कासे इसके अलावा कुछ और किताबें भी हम आपको रेफरेंस के तौर पर बताएंगे अगर आपके कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सर्च है तो आप इस कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो किताबें जिनमें सर्च पे एन्फेस दिया गया है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर न्यूरल नेटवर्क पे एफेसिस है तो आप वो किताबें जो हम अभी आपको बताएंगे उनमें कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है और न्यूरल नेटवर्क के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कशन की गई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्लानिंग रीजनिंग नॉलेज रिप्रजेंटेशन पर आपके कोर्स का फोकस है तो आपको यह किताबें जो हैं ये हेल्पफुल साबित होंगी सेवन मेथड्स फॉर ट्रांसफरिंग कॉरपोरेट डेटा इन टू बिजनेस इंटेलिजेंस एक और अच्छी किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर गेम्स बाय रिचर्ड बार्टल कंप्यूटर गेम्स गेम्समैनशिप बाय डेविड लीवी द एसेंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स बाय कैलन न्यूरल नेटवर्क्स बाय डेवलो या फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क बाई फासेट ये वाली किताबें जो हैं ये आपके लिए आ, अगर आपके कोर्स का फोकस जो है अदर देन जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपके लिए ये किताबें एक अच्छा रेफरेंस साबित हो सकती हैं आज के प्रोग्राम में हम बुनियादी तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज़ ए सब्जेक्ट समझने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के अख्ताम तक अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वर्किंग डेफिनेशन एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन पे पहुंचने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके अलावा हम ब्रीफली उन सब्जेक्ट्स का ज़िक्र भी करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन पर मुश्तमिल है और एक मुख्तसर हम जिक्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीख के बारे में भी करेंगे अजीज़ तलबा आप यकीनन ये जानते होंगे कि इंसान ख़ुद को होमोसीपिन कहलाता है यानी वो मखलूक जो अपनी अकल अपने शूर अपने फ़िक्र की जो सलाहियत है उसकी वजह से जानी जाती है और उसकी ये क्वालिटी फ़िक्र तदब्बर की ये क्वालिटी शूर और अकल की ये क्वालिटी जो है वो उसके ज़ाती मुआशी और मुआशरती मामलों में बड़ी ही अहम रोल प्ले करती है अल्लाब्ज़त ने भी कुरान मजीद में बार बार तदब्बर और तफक्कुर का ज़िक्र किया कि इंसान बहसियत अशरफुल मखलूकात तदब्बर क्यों नहीं करता तफक्कुर क्यों नहीं करता और इंसान के अक्ल और शुरू को इंसान और हैवान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ बताया गया नीज़ ये भी कहा गया कि वो शख़्स जो फ़िक्र तद्बर नहीं करता जो गौर व ख़ौज नहीं करता जो सोचता नहीं है इस कायनात की जो राज हैं इस कायनात के जो रियलिटीज़ हैं अगर उनके बारे में गौर व ख़ौज नहीं करता तो वह इंसान नहीं हैवान है अजीज़ तलबा, अगर हम अकल व और फ़िक्र तदब्बुर की ये खसूसियात जो सिर्फ़ इंसान के साथ मुख्तस हैं उन खसूसियात को किसी मशीन में या किसी कंप्यूटर में लाने की कोशिश करें या हम कंप्यूटर से या किसी मशीन से ये तो रखें कि वो अकल व की फ़िक्र तदब्बर की उन खसूसियात का मुजाहरा करे जो इंसान के साथ मखसूस हैं तो हम ये कहेंगे बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर अमल पैरा हैं आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन सी खसूसियात हैं फिक्र तदब्बर और शऊर के साथ जिनका रबता है या जो शऊर के साथ एसोशिएटेड हैं वो खसूसियात इनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या इंटेलिजेंट एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं मसलन परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग प्रिडिक्शन मैनिपुलेशन सीइंग लर्निंग रिमेंबरिंग रीजनिंग एंड टिंग इन्फॉर्म्ड एक्शन्स अपनी अमूमी ज़िंदगी में हम बहसीत इंटेलिजेंट एंटीज़ जिन भी मामला में अपने मामला में या अपने रोज़मर की ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं उससे ये इंटेलिजेंट एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका डेफिनेटली इजहार होता है और उनका इस्तेमाल होता है मसला आप इस वक्त जबकि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूं और आप खातन हजरात अपने घर में अपने दफ्तर में सोफ़े पर बैठे हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए या अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हुए ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हर दो पार्टीज़ मैं बहसीत एक उस्ताद के और आप बहसीत एक तालब के इंटेलिजेंट एंटिटीज़ की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका मुजाहरा कर रहे हैं जिनमें परसेप्शन भी है जिनमें अंडरस्टैंडिंग भी है जिनमें प्रडिक्शन भी है जिनमें सीइंग भी है जिनमें रीजनिंग भी है और जिनमें एक्शन भी है आप सोच भी रहे हैं आप सुन भी रहे हैं आप देख भी रहे हैं और आप गालिबा अपना नोट्स वगैरह भी ले रहे होंगे एक्शन भी आप कर रहे हैं और उसके साथ लर्निंग का और अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट जो है वो भी इस प्रोग्राम के दौरान जो है वो जारी है आइए अब हम ये देखते हैं यही मिसालें हम आप आपको इंटेलिजेंट बिहेवियर की मिसालें यूनिफंक्शनल मशीन्स में भी आपको बेतहाशा मिल जाएंगी मसलन आप अपने घर के गीजर को ले लीजिए गीजर में आपने पानी अब उसकी नॉब को या लो पे रखा है या वार्म पे रखा है या हॉट पे रखा है या वेरी हॉट पे रखा है अब वो सेंसर जो है वो उस चीज को सेंस करता है कि इस वक्त आपके गीजर में पानी जो है जब एक मखसूस लेवल पर पहुंच जाता है तो वो उसका बर्नर जो है उसको बंद कर देता है और जब फिर ठंडा पानी ठंडा होता है तो उसको दोबारा ऑन कर देता है ये एक आम और सादा सी मशीन जो है उसके इंटेलिजेंट बिहेवियर की एक मिसाल है आइए एक और मिसाल लें आपने अपने कमरे में थर्मोस्टैट जो है हीटिंग पे या कूलिंग पे एक ख़ास टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है और वो ऑटोमेटिकली सेंसर जो है सेंस करता है कि कमरा उससे जो टेम्परेचर आपने सेलेक्ट किया है उससे ठंडा या उससे ज़्यादा गर्म ना होने पाए एक मजीद आम फहम सी मिसाल आपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे वो मोटरकार भी हो सकती है रोबोट भी हो सकता है जो कि सेलों वग़ैरह से चलते हैं अब वो चलता चलता वो खिलौना जो है वो जब दीवार के पास पहुंचता है तो वो सामने अपने सामने इस चीज़ को विजुअलाइज करता है कि अब सामने दीवार है वो पीछे मुड़ता है और अपनी समझ जो है वो उसको चेंज कर लेता है ये एक आम सी मैं इस तरह की आपको हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ जिसमें यूनिफंक्शनल या मल्टी फंक्शनल मशीन्स जो हैं वो इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो ज़ाहिर है, करती हैं लेकिन अब इंसान भी इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो आ, जाहिर करता है जैसा कि हमने देखा मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप सुन रहे हैं और हम इंटेलिजेंट एंटिटीज़ के बिहेवियर जो है उसको एक्सीबिट कर रहे हैं और मशीनें भी इंटेलिजेंट बिहेवियर को टू सम एक्सटेंट एक्जिबिट कर रही हैं तो फ़र्क क्या है मशीनें जहाँ पे इंटेलिजेंट बिहेवियर एक्सीबिट कर रही हैं दे आर बींग गवर्नड बाई फिजिकल लॉज और वो फिजिकल लॉज क्या है गीजर में आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया और वो टेम्परेचर जो आपने सेट किया हुआ है वो एक कानून की शक्ल में एक प्रिंसिपल की शक्ल में वो गवर्न कर रहा है ऑपरेशन ऑफ दैट गीजर सिमिलरली एयर कंडीशनर को आपने एक सेट कर दिया एक प्रिंसिपल एक कानून आपने उसको दे दिया कि इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना या इससे कम नहीं होना इसी तरह से बच्चे के खिलौने को आपने ये ये चीज जो है ये उसमें प्रोग्राम कर दी कि भाई अगर सामने कोई चीज आप किसी चीज को हिट करते हैं तो आपने पीछे मुड़ना है और अपनी समझ को बदल लेना है लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ द मशीन्स इज गवर्नड बाय फिजिकल लॉज वेयर एज द इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज गवर्न बाय फिजिकल लॉज जो कि हमने सीखे हैं समझे हैं रिमेंबर किए हैं प्लस द इंट्यूशन ये एडिशनल एलिमेंट है वो फर्क है इंटेलिजेंट एंटिटीज में जो कि मशीनों से इंटेलिजेंट बिहेवियर जाहिर होता है वर्सेस द इंटेलिजेंट बिहेवियर विच इज विच इज बीइंग शोन बाय ह्यूमन बीइंग्स। इंट्यूशन। मशीन्स indicate intelligent behavior and is governed by physical laws whereas the human beings contrary to that the intelligent behavior of human beings is governed by physical laws as well as by intuition and the premise of artificial intelligence is modeling the human behavior in the machines why q after all hum human behavior ko मॉडल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मशीनों के अंदर कि मशीन भी जो है वो इंसान की तरह एक्ट करे इंसान की तरह सोचे या इंसान की तरह डिसीजन मेकिंग करे या इंसान की तरह परफॉर्म करे क्यों उसकी वजह क्या है इसको हम एक मिसाल से वाजे करते हैं फर्ज कीजिए आप बीमार हो जाते हैं इंसान है कभी कभी बीमार भी हो जाता है आप बीमार हो गए डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने आपकी नब्ज़ देखी थर्मामीटर निकाल के आपके मुंह या बगल में दबाया आपसे चंद सवाल पूछे रात क्या खाया था सर में दर्द तो नहीं है चक्कर तो नहीं आते हैं यह तकलीफ़ कब से है कोई और मेडिसिन तो नहीं ली डॉक्टर आपसे चंद सवाल पूछता है अगर जरूरत हो तो कुछ टेस्ट वगैरह भी करवा लेता है और टेस्ट के रिजल्ट वगैरह भी आ जाते हैं आपके साथ पाँच सात मिनट गुजारने के बाद डॉक्टर आपके लिए नुस्खा लिखना शुरू कर देता है और उसके बाद उसका तरकीब इस्तेमाल के कितनी फ्रीक्वेंसी से मेडिसिन लेनी है कितनी लेनी है हो सकता है एक आध आपको लतीफ़ा भी सुना दे और उसके बाद वो आपको रुखसत कर देता है क्या आप ये समझते हैं कि इंसानी मशीन जो इतनी कॉम्प्लेक्स है और वो मॉल फंक्शन अगर किसी वजह से इंसान अगर बीमार होता है तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी जो है वो मॉल फंक्शन कर रही है ये इतनी आसानी से डॉक्टर ने पाँच सात मिनट में एग्जामिन करने के बाद आपको जो नुस्खा लिख दिया है ही हैज़ रीच्ड टू ए कंक्लूजन उसने तशीस कर लिया है कि आपको फला बीमारी है और उसका ये इलाज है ये यकीनन पाँच सात मिनट इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी को समझने के लिए काफ़ी नहीं है अगर हम सिर्फ फिज़िकल लॉज पर ही नजर रखें कि अगर इतना टेम्परेचर हो तो ये दवाई है अगर ये सिम्टम हो तो ये दवाई है इसके साथ ही साथ फिज़िकल लॉज के साथ ही साथ डॉक्टर्स ने जो अपने मेडिसिन को पढ़ने के लिए उसने 15-20 साल लगाए उसके बाद रोज़ाना उसके पास पेशेंट आते हैं उन पेशेंट्स को देखता है तो डॉक्टर ने इनफैक्ट वो पाँच या सात मिनट नहीं लगाए उसके पीछे वो सारी बैकग्राउंड मौजूद है और उस सारी बैकग्राउंड जो है वो उसको आ, किसी नतीजे पे पहुंचने में कि आपको फला बीमारी है और ये वाली क्योर जो है वो आपको ठीक कर देगी ये चीज़ जो है ये मशीन्स में मिसिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम कोशिश करें कि वो बिहेवियर वो इंटेलिजेंट बिहेवियर जो कि डॉक्टर ने एग्जिबिट किया उसको हम कैप्चर कर लें और मॉडल कर लें एक प्रोग्राम की शक्ल में ताकि एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी एक आ, थोड़े अरसे में फिजिकल लॉज को सामने रखते हुए रूल्स को सामने रखते हुए तशीस कर ले और आपको मेडिसिन जो है वो आ, प्रिस्क्राइब कर दे इसी तरह से आप किसी भी एक्सपर्ट को आप एक कार मैकेनिक की मिसाल ले लीजिए आप एक जियोलॉजिस्ट की मिसाल ले लीजिए या किसी भी आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की मिसाल ले लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनफैक्ट इन, इन एक्सपर्ट्स के जो ह्यूमन एक्सपर्ट बिहेवियर है उसको कैप्चर करने की और उसको मॉडल करने की एक एफर्ट है अजीज तालाबा इससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसकी एक वर्किंग डेफिनेशन जो है वो क्राफ्ट करने की कोशिश करें आइए हम ये देखते हैं कि एक्सपर्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किन अल्फाज में डिफाइन किया है फॉर एग्जाम्पल हॉगलैंड In 1985, me, artificial intelligence defined the exciting new efforts to make computers think, machines with mind in the full and literal sense. Similarly, Bellman in 1978 defined artificial intelligence as the automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning. इसी तरह से क्रूजविल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस वैन परफॉर्म बाई पीपल सिमिलरली रिच एंड नाइट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स एट विच एट द मोमेंट पीपल आर बेटर McDermott artificial intelligence ko defined define the study of mental faculties through the use of computational models. Another definition by Winston is the study of computations that make it possible to perceive, or reason, and act. Another definition by skalkoff is ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट सीक्स टू एक्सप्लेन एंड इमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेस लूगर और स्टबल फील्ड ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया द्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न विद द आटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर ये आठ डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं इनको हम चार ग्रुप्स में इनके जो कंटेंट है या जिस हवाले से डेफिनेशन जो है वो की गई है इनको हम चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं नंबर वन सिस्टम्स दैट थिंक लाइक ह्यूमंस पहली वाली दो जो हैं एंड देन सिस्टम्स दैट थिंक रैशनली सिस्टम्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस एंड सिस्टम्स दैट एक्ट रैशनली